तैयार किया था बड़ी। हाँ बोलो बोलो। बड़ा आयोजन हुआ है नांदेड़ शहर में, कई सालों के बाद ऐसा आयोजन यहाँ पर संभव हो पाया है। उनके मेहनत से, उनके पुराकार से यहाँ पर 16 टीमों ने करीबन यहाँ पर भाग लिया और गए नौ दिन से, नौ दिन से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था बड़ी खुशहाल ढंग से। और क्रिकेट को बढ़ावा देते हुए अच्छे माहौल में यहाँ पर क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया। मैं जीतने वाले टीम को और सभी भाग लेने वाली टीम को यहाँ पर मैं खुद उनका अभिनंदन करता हूँ और जीतने वाले टीम को यहाँ पर मैं शुभेच्छा देता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे इस आयोजन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, अविनाश कुमार जी ने भी यहाँ पर अच्छा सहयोग और बड़ी कायदा और सुव्यवस्था के लिए यहाँ पर मेहनत की है। और सभी आयोजकों के माध्यम से और बाकी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए एक अच्छे ढंग का यहाँ का आयोजन हुआ है। मैं सभी को यहाँ पर बधाई देते हुए मेरी बात खत्म हो चुकी है। फारूक अहमद मित्र मंडल की वतीने से जो ये आयोजन किया गया था, पिछले 9 दिनों में 15 टीमें पार्टिसिपेट की हैं और एक मोटी संख्या में जो हमारे यूथ्स, नांदेड़ के जो यूथ्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करके एक जो पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए हमारे नांदेड़ को, जो क्योंकि अगर डेवलप करना है, शांति रहनी है, तो यूथ्स किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हों। हम लोग जनरली देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेडेक हो जाता है अगर यूथ अच्छे डायरेक्शन में नहीं हो। तो ये हमें एज ए पुलिस ऑफिसर, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत एक अच्छे संख्या में यूथ पार्टिसिपेट हुए, उनके पेरेंट्स भी आए और एक जो माहौल पॉजिटिव बना है, इसके लिए मैं इस मित्रमंडल, फारूक साहब के मित्रमंडल का पूरा, जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, जो हमारे आयोजक हैं, इन सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी हम लोग ऐसा कुछ आयोजन रखेंगे और इन 15 टीमों के जो यूथ्स हैं उनको बुलाएंगे और कुछ और भी अच्छा करते रहेंगे, जिससे कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नांदेड़ आगे बढ़े। थैंक यू सर। आज जनाब फारूक पाशा साहब माजी आमदार थे शहर के, उनकी याद में आयोजन किया गया और आज उसका फाइनल खेला गया। मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया जब ये मैच के लिए हम लोग आए। फाइनल लिटरली फाइनल जैसा रहा, बहुत ही रोमांचक मैच हमको देखने मिला। और इस सारे चीज़ का सहरा जिसको जाता है वो जनाब फारूक साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन किया और उसको बहुत सक्सेसफुली एंड तक लेकर गए। और ख़ास बात इसके पीछे उन्होंने जो मकसद था कि जनाब फारूक साहब मरहूम जो MLA रह चुके हैं हमारे नांदेड़ शहर के, उनकी सामाजिक काम जो थे उसको उजागर करना, उनके कामों की याद दिलाना, वो मकसद के तहत उन्होंने इस टूर्नामेंट को रखा। और उनके इसरार के तहत ही हम लोग नूरुल्लाह खान साहब की फैमिली की तरफ से, मेरी वालदा अहलिया नूरुल्लाह खान साहब और मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। सिर्फ फारूक साहब का इसरार था जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी खिदमत, मतलब सामाजिक खिदमत से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि मोहल्ले का मसला होने दीजिए, नेशनल मसला होने दीजिए या इंटरनेशनल मसला होने दीजिए, किसी भी मंच पे अपनी बात को बखूब सही ढंग से रखना, लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में किस तरह से बात को रखना चाहिए। अगर नांदेड़ में अगर कोई चेहरा अपने को नज़र आता है इस वक्त, तो मैं बोलूँगा कि मैं जितना फॉलो करता हूँ, फारूक साहब को देखता हूँ, तो काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को रखते हैं। और साथ ही साथ आज जो उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिहाज से, बच्चों के एनर्जीज को यूज़ करने के लिहाज से जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत जो कौम अपना माजी भूल जाती है वो नई तारीख नहीं लिख सकती है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। और नांदेड़ की जो तारीख है, नांदेड़ का जो इतिहास है, वो हैट्रिक आमदार रहे मरहूम फारूक पाशा साहब, जो नांदेड़ के माजी मंत्री भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उनकी यादों को, और प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब जो आमदार रहे हैं और नांदेड़ की एक हाईली इंटेलेक्चुअल लीडरशिप रहे हैं, इनकी यादों को कहीं ना कहीं हम लोग भुला रहे थे। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मरहूम सैयद फारूक पाशा साहब के नाम से आमदार चषक का आयोजन किया गया था। और उस आमदार चषक के आयोजन के पहले पहले हमने किसी से, फैमिली से कोई रابطہ कायम नहीं किया, लेकिन जैसे उनको ये इत्तला मिली कि
कि ये टूर्नामेंट आप ले रहे हैं तो सैयद फारूक पाशा साहब के बड़े फर्जन फैसल पाशा साहब, मोहित पाशा साहब ने और प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के फैमिली को भी जब हमने आज इकरार से कहा कि भाई आज आप आइए, आमदार चषक है तो नादेर के जो दो आमदार मजबूत रहे उनका एक फैमिली का अटैचमेंट इससे हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे एक कॉल पर हमारे रिक्वेस्ट पे आए, मैं उनका भी और फारूक पाशा साहब की फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मरूम फारूक पाशा साहब की जो तालीमी विरासत को अल्हम्दुलिल्लाह शफी कुरैशी साहब आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, वो भी आज मौजूद रहे। तो जो एक मकसद टूर्नामेंट के पीछे था, नांदेड़ का सुनहरा इतिहास फिर से जिंदा हो जाए और हमको ये पता चले कि अब हमारे नौजवानों को लगता है कि हमारा कोई पीएम सीएम नहीं बन सकता, उसी तरह हमारा कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। नांदेड़ के अंदर और महाराष्ट्र और भारत के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल और अच्छी काबिल लीडरशिप हमारी रही है कि माजी में हमने इन हुकूमतों के अंदर एक बड़े किरदार के क़यादतों को भेजा हुआ था, लेकिन मौजूदा सिस्टम अगर बिगड़ चुका है तो उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और हमारे माजी के उस जो हमारी संपत्ति है उसको जिंदा करना पड़ेगा, वो एक मकसद इसमें था। दूसरा मकसद, क्रिकेट ये बहुत ही पोटेंशियल वाला खेल है, भारत में क्रिकेट को सही मायनों में राष्ट्रीय खेल के जैसा स्तर दिया गया है क्योंकि इतना क्रेज भारत में और हमारे माइनॉरिटी के पिछड़े तबके के बहुजन के बच्चों में क्रिकेट का क्रेज बहुत है, लेकिन ये सिस्टम में उनको एंट्री नहीं मिलती। इस टूर्नामेंट के बहाने तकरीबन दर्जन भर बल्लेबाज और गेंदबाज ऐसे हैं जिनके शहर में चर्चे चले हैं, इन दर्जन भर खिलाड़ियों को एक पहचान देने के लिए ये टूर्नामेंट एक कारगर वजह रहा है। इस टूर्नामेंट के आयोजन में जो जो लोगों ने हमको मदद की, खासतौर से एक क्रिकेटियर मोहम्मद फहीम साहब, अतर मोमिन साहब, मोइन साहब और जावेद हाशमी साहब, मोहम्मद कासिम साहब, मेरे पार्टी के साथी अयूब खान साहब और विठल गायकवाड़, ये लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये लोगों ने वक्त दिया है, इन लोगों की इस मेहनत के बदौलत और ये सब लोगों की कोऑपरेशन की बदौलत इन्होंने तो आयोजक बन के रहे। कई बार हम उनका सम्मान करने में कहीं कम पड़े होंगे तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये खुद आयोजक की भूमिका में, खुद मेज़बान की भूमिका में ये सब लोग रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतने मौजूद फैमिली से ये लोग रहते हुए इन्होंने इस खेल को भी एक अच्छा अटैचमेंट अपना आयोजक बनने का दिया है, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात देता हूँ, हारी हुई टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ, हार जीत की पहली सीढ़ी होती है। आबादी बॉयज जोहर ने टूर्नामेंट जीता है लेकिन आबादी बॉयज ने दिल जीता है। आबादी की टीम ने इतने जोश के साथ में सेमीफाइनल और फाइनल में जो जोश दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त आबादी बॉयज के लिए भी सुनहरा तो रहेगा। सर, आप जैसे मदीनातुल उलूम और उर्दू घर जिस जमीन पे बना है उस जमीन की मालकी मरहूम फारूक पाशा साहब की रही है, उन्होंने अपनी ज़मीन देकर वो इदारे खड़े किए थे। आज जहाँ पे उर्दू घर बना है वो ज़मीन की मालकी किसकी है? वो फारूक पाशा साहब की। जब उस उर्दू घर को नाम देना है तो हम दिलीप कुमार साहब का क्यों सोचते हैं? दिलीप कुमार साहब के नाम से कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है क्योंकि वो बड़ी शख्सियत थी, उनके लिए देश और दुनिया में उनको जाना माना जाता है, लेकिन हमारे नांदेड़ का भी जो ज्वेल है, डायमंड है, फारूक पाशा साहब की जो ज़मीन भी रही है, इसलिए उर्दू घर को उनका नाम दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक भी बताइए, दर्जनों इमारतें बता दूंगा मैं जो किसी आलाने फलाने के नाम से है, दर्जनों इमारतें एक नाम के अपने नांदेड़ में इमारतें हैं, इंस्टीट्यूशन है, हॉल है, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही नाम को जिंदा नहीं रख सकते। उस नाम के आजू बाजू में जो लोग थे जिन्होंने उनको उस वक्त मदद की थी सियासत में, वो अपने मददगारों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमने ये जो मांग आज की हुई है इस बहाने से, उस मांग को लेकर हम इंशाल्लाह आगे चल के बरोबर एहतजाजी कदम उठाएंगे। और ये तो बहुत छोटी बात है, नांदेड़ की 7-12 के मूल मालकों के अंदर फारूक पाशा साहब है, नूरुल्लाह खान साहब है, हरिहरराव सोनोड़े साहब है, विधि देशपांडे साहब है, आप उनके कूड़ को नहीं मिटा सकते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप 7-12 के धनी नहीं हो, कब्जेदार हो, और उसकी मूल जिनके नाम पर है उन लोगों के और उनकी कौमों को भी आपको इंसाफ के तकाजे पे इंसाफ करना पड़ेगा, उनको भी आगे चल के उनका हिस्सा देना पड़ेगा। सर, आपके सवाल की जिस तरीके से आपने कहा था, बताइए। देखिए, फारूक पाशा साहब और शंकरराव चौहान साहब में काफ़ी दोस्ती थी और उनके फैमिली रिलेशन थे, कमल किशोर कदम साहब के भी फैमिली रिलेशन थे, फैसल पाशा साहब ने खुद अशोक चौहान साहब को और कमल किशोर साहब को दावत दी थी और उनकी दावत पे कमल किशोर कदम साहब इतनी उम्र में थके हुए आज उनका था, लेकिन उन्होंने
उन्होंने उनका कार्यक्रम में तब्दीली कर विजिट की। उन्होंने आए और आधा एक घंटा डेढ़ घंटा बैठकर मैच देखा और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई ये टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए। फौरन हमने उनको वादा कर दिया कि सर इंशाल्लाह फारूक पाशा साहब के नाम से टूर्नामेंट हर साल होगा। अब अशोक चौहान साहब क्यों नहीं आए इसके बारे में उनको खास दावत फैसल भाई ने दिए, मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे कि फिर बात करते हैं, इसलिए इस बारे में मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि मैंने दावत नहीं दी थी, फैसल भाई ने उनके फैमिली रिलेशन के मद्देनजर दावत दी थी और मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ापन दिखाना चाहिए था, कार्यक्रम शेड्यूल को एडजस्ट करके आना चाहिए था। अगर वो आते तो जैसे कमल किशोर साहब का हमने यहाँ पर दिल से इस्तकबाल किया, उसी तरह हम अशोक चौहान साहब का भी इस्तकबाल करते, क्योंकि ये कोई सियासी मंच और चुनाव नहीं है, ये जो है ये एक खेल है और ये अपने माजी की खयादत को बुलंद करना है। फारूक पाशा साहब के ताल्लुक से मुझे लगता है कि अशोक चौहान साहब को वो अपने बच्चे के जैसा मानते थे, तो उन्होंने भी अपने पिता के जैसे पितृतुल्य खयादत के लिए वक्त भी देना चाहिए और आगे चल के उम्मीद करेंगे कि वो कुछ कारगर ऐसा कदम उठाएंगे कि फारूक पाशा साहब का नाम उर्दू घर को ही नहीं तो नांदेड़ के सात बारह में फिर से लगेगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा फेस्टिवल था, एक हिसाब से फारूक अहमद साहब ने उनके ऑर्गेनाइजेशन ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप और यंगस्टर्स में उनके बारे में जिनको जानकारी नहीं थी, नई जनरेशन को कुछ मालूम थी, उन्होंने फिर से उसको रिवाइंड किया और उनकी याद को ताज़ा किया कैमरे की तरफ। और उनके जब वो आमदार थे और दीगर स्पीकर थे, मिनिस्टर थे, जो भी उन्होंने काम किया असेंबली में पाए सोशल वर्क में, उसको फारूक साहब ने बहुत अच्छे से वो किया। और उसमें दरअसल फारूक साहब ने ऐसी कुछ नहीं किया, उन्होंने उसमें R&D की रिसर्च किया कई साल से, मैं देख रहा हूँ 2020 से मैं देख रहा हूँ कि वो रिसर्च का पूछा गया। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने अभी भी कहा कि अशोक चौहान साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था इन्विटेशन भेजने के लिए, वो ज़रूर आते हैं, वो मुझे फ़ोन भी किए कि मैं मसरूफ हूँ फैसल, मैं आ नहीं सकता, इसलिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वो हमारे उनके बहुत फैमिली रिलेशन है, शंकर साहब ने ही पाशा साहब को पॉलिटिक्स में लाए थे, पहले उनको पार्टी के केसेस देते, पहले पाशा साहब ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ किया था, शंकर राव साहब, नीलंगेकर साहब, चाकुरकर साहब, ये सब क्लासमेट्स हैं। तो शंकर राव साहब के हमारे चौहान साहब के अच्छे फैमिली रिलेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मसरूफियत की वजह से आदमी होता है कभी तेरा को, हाँ कमल किशोर साहब आए, हालांकि वो भी बहुत बेचारे बीमार हैं उसके बावजूद आए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शफी अहमद कुरैशी साहब जो है ना, वो फारूक पाशा साहब के शागिर्द थे, वो भी यहाँ पे है। मैं समझता हूँ आप उनसे मेरे से ज़्यादा और बेहतर हो, आपको बताएंगे। और जैसा आपने बहुत से नाम लिए, पाशा साहब ने नांदेड़ की नहीं पूरे महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन पर, और महाराष्ट्र स्कूल एक्ट भी उन्होंने ड्राफ्ट किया, और ऐसे कई एक्ट भी उन्होंने ड्राफ्ट किए जो मुझे मालूम है। और मैं चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल, अब जैसे क्रिकेट फेस्टिवल ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तब्दील हो और हर साल फारूक साहब इसको मनाए। नूरुल्लाह खान साहब की फैमिली को बुलाया उन्होंने, और दीगर है तरुणेकर साहब MP थे, उनकी फैमिली और बहुत से लोग ऐसे बुलाए और प्रोग्राम्स ले, और ये बहुत अच्छा काम फारूक साहब ने स्टार्ट किया है। इनको मैं तहे दिल से हमारी फैमिली की तरफ से, जो हमारे दोस्त अहबाब है उनकी तरफ से, औरंगाबाद से भी बहुत से लोग आए हुए, जैसे हमारे मुजफ्फर साहब है और बहुत लोग आए हमारे फैमिली से हैदराबाद के आए, तो ये सबकी तरफ से मैं इनको इनके ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स को मुबारकबाद दूंगा और ये कहूँगा कि आप इसको आगे कंटिन्यू करें। और इसको जैसा फारूक साहब ने मेरे से 4-5 दिन पहले ही कहा कि अपने फाउंडेशन बनाए, मैंने कहा बिल्कुल आप फाउंडेशन बनाइए, हम आपके साथ हैं। और ये फाउंडेशन में पाशा साहब के अलावा भी दूसरे लोगों का कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सोशल वर्क करने के लिए आपको कोई ये आप देखिए ना, आपने उन्होंने क्रिकेट का जो आयोजन किया उससे नांदेड़ में आज पूरे मालूम पूरी चर्चा है 8-10 दिन से कि भी फारूक पाशा साहब ने 3 बार MLA रहेंगे, किसको मालूम, और यंग जनरेशन को तो मालूम होता ही है सर, चाहे कोई भी हो, और उन्होंने उसके अंदर एक नई रिमेम्बरेंस लाई फिर से वापस उसको वो किया। तो इसलिए मैं तहे दिल से इनका और तमाम लोगों का दोनों टीमों को मुबारकबाद देते हुए फिर अपने बात को खत्म करता हूँ। एक माइक लगा दो, वो ये भैया माइक लगा दो, मौका नहीं, बैठे लगाना सर। चलो ठीक जी, मैं सबसे पहले फारूक अहमद साहब और उनके मित्र मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तारी थी इवेंट का इनाकात किया, की याद में क्रिकेट मैच का मुकाबला नई जनरेशन को फारूक पाशा साहब की शख्सियत और उनके कारनामों से मुखारिफ करवाया।
उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि अगर वो एक इस आयोजन का ऑर्गेनाइज करते समय अगर फारूक पाशा साहब के लोगों को उनके पुराने साथियों को साथ में रखते तो और ज़्यादा बड़ा इवेंट हम कर सकते थे। इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने इरादा जाहिर किया कि हर साल करेंगे उनके साथ बैठकर इस इवेंट को और बड़ा हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरा ताबुन रहेगा इंशाल्लाह और इस सिलसिले में मैं उनको फिर से दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि फारूक पाशा साहब मरहूम वो सियासत में लाने वाले वही थे, उनके एहसानात थे और इंशाल्लाह उनके कारनामों को नई जनरेशन से मुतारिफ कराने के लिए ये तो रहेगा और हम क्या कर सकते हैं। फारूक पाशा में बैठ कर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है वो सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी उनको मैंने ही बनाया है, बाद में आपसी अख्तलाफात की वजह से सूरत हाल वैसी आई है। इंशाल्लाह हम उसको अपने कमेटी में रखकर और क्या कर सकते हैं वो इंशाल्लाह।